इंडिया so का फाइनली एएफसी एशियन कप की कैंपेन खत्म हो चुकी है तीन मैचेस में तीन लॉसेस जीरो गोल स्कोर और छह गोल कंसीड किए मतलब एक इंटरनेशनल स्टेज पे सबसे बड़ी लॉस है हमारी कैसा फील हो रहा है आप लोगों को खराब खराब फील हो रहा है ओवियसली गुस्सा हुआ आप लोग मैं भी गुस्सा हुआ यार बट एक बार अगर सोचा जाए देखा जाए एक बार काम ठंडे माइंड से क्या कंक्लूजन था हमारा इन तीन मैचेस का क्या सीखने को मिला हमें इन तीन मैचेस से एंड व्हाट्स नेक्स्ट अबाउट इंडियन फुटबॉल और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं तो पॉइंट्स को बस छोटे, -छोटे ड्रॉ ले सकते हैं उस के अगेंस्ट हमारे अटैकिंग प्रोवेस को देखने का हमें मौका मिला कि भाई इस तरीके से फ्रंट फुट पे हम खेल सकते हैं अच्छा अटैकिंग अच्छा ऑफेंसिव ट्रांजिशन था बट बाइट डिफेंसिवली हम पूरे खोले हुए थे यू कांट गो टॉप टीम्स डूइंग दैट आप कितने फुटबॉल खेलो अगर आप डिफेंस में बालस नहीं हो तो फिर आप पिलाओगे देखने को मिली सीरिया के अगेंस्ट यू टू थिंग्स आपने नहीं किया कुछ भी नहीं किया के एक है क्या? के day, आप ये मैच दोबारा से खिलाओ यू कुड स्कोर वन गोल कुड स्कोर टू गोल्स विद दैट स्टाइल ऑफ प्ले वैसे फ्रंट फुट पे खेलना टो टू टो खेलना बॉल को अपने पास रखना राइट सिलेक्शन के साथ जाना उस राइट right एटीट्यूड और मेंटालिटी के साथ जाना ऑन एनी अदर डे यू कुड हैव स्कोर्ड वन टू गोल मे बी तीन गोल मार दिए होते भाई सीरिया के अगेंस्ट जैसे हमने खेला ना आप आज मैच वो खेल लो आप हारोगे आप कल वो मैच खेल लो आप हारोगे आप दस बार वो मैच खेलो आप हारोगे डिफरेंस हार क्या था डिफरेंस था अपने अप्रोच में डिफरेंस था अपनी मेंटालिटी में और डिफरेंस था कि आपने प्रेशर को हैंडल नहीं किया ये सारी चीजें जो है ना ये हमारे पर्सपेक्टिव से हैं और मुझे पता है कि भाई फैंस ऑब्वियसली अपसेट होंगे आप भी गुस्सा हो मैं भी हूँ एक बार हम अपने से को प्लेयर्स से सोचते हैं इस कैंपेन के बारे में व्हाट वुड द प्लेयर्स थिंकिंग एक चीज है जो कि कॉमन वो सोच रहे होंगे आप किसी भी प्लेयर से बात करो वो ये कहेगा सीनियर प्लेयर या फिर यंग प्लेयर यार पता है क्या मोर ऑफ दिस हमें और गेम्स वी हैव टू प्ले मोर वो सेटिसफाइड नहीं होंगे वो घर जाके वो आइसल खेलेंगे उनके दिमाग में एक चीज रिंग कर रही होगी यार पता है क्या दिस वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी मुझे और ऐसे मैचेस चाहिए मुझे और खेलना है टॉप लेवल पे मुझे वो प्रेशर सोक करना है यार भारत में हमारे प्लेयर्स टॉप लेवल फुटबॉल नसीब नहीं कर पाते हैं यूरोप से हम हम कंपेयर करते हैं यूजुअली हम इराक से हम सीरिया से कंपेयर कर रहे हैं हम जापान से कंपेयर करते हैं ठीक है समझ में आता है उनका फुटबॉल बहुत बहुत लेवल बहुत साल ऊपर है हमसे उनके पास 20 30 इयर्स का एडवांटेज है हमसे और उनके प्लेयर्स यार टॉप लीग्स में खेलते हैं सबको हमारे

गुड कोचिंग प्रॉपर मैन मैनेजमेंट और एक अच्छे कॉम्पिटिशन पर रेगुलरली खेल उनको मिला है हम इराक की बात कर रहे हैं पे हम दूसरी टीम्स को देखते हैं इफ यू टेक लुक एट कतर तो प्लेयर्स इनकी टीम में खेल रहे हैं भीक में भी प्लेयर्स हैं इराक में नौ प्लेयर्स हैं आप लेबनॉन में देखोगे तो सात प्लेयर्स हैं इंडोनेशिया में भी भाई नौ प्लेयर्स है जो फॉरन बॉर्न प्लेयर्स है जो उनकी टीम में खेल रहे हैं एंड आस्क में इंडिया अपना फुटबॉल कैसे इंप्रूव करें मैसिवली तो भाई बात सच है हर एक टीम हर एक नेशनल टीम ये मेथड अपना रही है ओसीआई पी आई प्लेयर्स को अगर हम यूज कर लेट्स से हमारे टीम में तीन चार पांच फॉरेन बॉन्ड प्लेयर्स आ जाते हैं इससे हमें एक अच्छा जंप मिलेगा ये जो हमने काफी ज्यादा टाइम गैप बना लिया ना बाकी टीमों में जो 10 12 30 साल का गैप है इसको हम क्विकली जंप करके चेस कर सकते हैं इफ़ वी गो ऑन एंड यूज दिस मेथड बट गाइज ऑनेस्टली आप एक बात बताओ क्या ये पॉसिबल आपको लगता है क्या इंडियन गवर्नमेंट ये पॉसिबली अलाउ कर सकती है आजकल में यार मुझे नहीं लगता कि ये होगा ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है एक्चुअली हमारे लिए हमारा इंडियन फुटबॉल बेहतर हो जाएगा क्योंकि ये अच्छे क्वालिटी के प्लेयर्स हैं तुम त्रिमान रणवीर को ही देख लो यार बंदे ने ट्वीट की ही किया कहते यार कि इसमें कोच की और इसमें प्लेयर्स की गलती नहीं है इसमें लैक ऑफ प्रिपरेशन है और यहां पे इंडिया रियली नीड्स दोस् फॉर बॉन प्लेयर्स अब रणवीर सर का ये कहना है इसके बाद दे आर लॉट ऑफ प्लेयर्स

टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हम अपने राइट सिलेक्शन right के साथ अच्छा कॉम्पीट कर सकते हैं so है आपकी मेरी और ये सारे जो लोग जो इंडियन फुटबॉल से रिलेटेडिबिलिटीज है, है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ेगी सबसे पहले यहां परिटी है की, कि जो सीनियर टीम में जो प्लेयर्स आने वो कहा से आएंगे ठीक है तुम आई से सिलेक्शन करते हो तुम आई वो प्लेयर निकालते हो बट ये जो प्लेयर्स है यंग प्लेयर है ऑन द कस्ट ऑफ स्टार्टिंग फॉर द नेशनल टीम हो सकते हैं अंडर सेवनटीन की टीम हमारी अंडर एटीन की टीम हमारी अंडर ट्वेंटी 23 की टीम हमारी ये जो हमारी जो 17, 19 और 23 की टीम्स है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हम जितना ध्यान इन यूथ टीम्स पे डालेंगे जितने क्वालिटी मैचेस इनको खिलाएंगे तो उतना ज्यादा प्लेयर्स नेक्स्ट लेवल पे फुटबॉल खेल पाएंगे उतना ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे और उतना ज्यादा उनके ना प्रेशर नहीं रहेगा नेशनल टीम में खेलने का बिकॉज वो ऑलरेडी और की एजेस पे वो उस लेवल ऑफ प्रेशर को फील कर चुके होंगे तो वो जब नेशनल टीम में आएंगे ना दे वुड नॉट डू ऑफ थिंग्स जो हमने सीरिया के अगेंस्ट किए वो ऑलरेडी उस चीज से गो थ्रू रहेंगे तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं हाथ जोड़ता हूँ अगेन आई रियली विश दिस कुड बी पॉसिबल कल्याण चौबे सर हमें यह करना है कि हम रेगुलर गेम टाइम कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट्स लगाए अपने भी एज ग्रुप की टीम से ना हम उनको उन कॉम्पिटिशन में सो दैट आवर बॉयज कैन गेट दैट एक्सपीरियंस एंड जो वो उनमें से बंदे शाइन करेंगे ना आई वुड नाउ गो ऑन टू रिक्वेस्ट इगोस्टी गोस्टी मैच द सेकेंड पार्ट कि भाई आप उनको मौका दो एक हिराकी होनी चाहिए एक सीढ़ी होती चाहिए कि भाई आपने ये किया आपने से, किया, आपने सेकंड लेवल किया, थर्ड लेवल किया, इसके बाद आपका शॉट है नेशनल टीम में तो वो चीज मैं चाहता हूं इगोस्टी मैच से मेरी अगेन रिक्वेस्ट है यहां ही मेक्स द राइट सिलेक्शन हमारा इस बार सिलेक्शन जस्टिफाइड नहीं था यार इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बताया है आई वॉन्ट टू सी द राइट प्लेस गेट द मिनट कितने मिनट मिले यार राहुल केपी को कितने मिनट्स मिले यहाँ पे ईशान पंडित को उदानता को हमने खिलाया हमने घिसा कितने मिनट्स लालचुंग नुंगा लेके गए हैं दैट इज नॉट गुड अगर हम इस टूर्नामेंट में आया था पता था भाई देर इज नथिंग टू लूज इन द गेम अगेंस्ट सीरिया कु ऑफ गॉन ऑन ऑफ प्लेड राहुल केपी आप खिला सकते थे लालचुंग डुंगा को आप खिला सकते थे so ये जो फेवरेटिज्म है या कंफर्ट मिलता है हमारे कोच को विद्लेय दैट ही होनी है राइट right प्लेयर्स आने यार अगर इसल्टे बेहतर कर सकता है हमारे उदानता से तो वो बंदा टीम में आना है तो ये मेरी सेकेंड रिक्वेस्ट है थर्ड जो मेरी रिक्वेस्ट है वो है यार आई एस एल से अब ये देखो मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल हो पाएगा बिकॉज भाई सबको पता है कि भाई आई अपने तरीके से चलता है बट देर इज ए सजेशन वट कैन वी डू इसकी जो यंग प्लेयर है हमारे जिस भी टीम में खेल रहे इन

यर्स बेंच पर सड़ने से बेहतर है आम टॉकिंग टू यू प्लेयर्स मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ बिकॉज आई नो की यू वुड बी वॉन्टिंग टू वॉच द वीडियो आप लोन पर जाओ आप आई लीग जाओ आप आई लीग में खेलो कंसिस्टेंट फुटबॉल खेलना इज द ओनली वे यू कैन इंप्रूव We all know that ये minutes आपके लिए बहुत important है So क्यों हम घबराते हैं वो step लेने से क्यों हम घबराते हैं इसका हमारा career downfall में जाएगा नहीं होगा ऐसा आपका football खेलना stagnation point पर achieve नहीं करना है आपको You have to keep on pushing, you have to keep on improving. That's the most important thing. And ये जो last के दो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा important है मेरी responsibility and आपकी responsibility. टुगेदर वी एज अ फैन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है गाइस कि देखो मेरे और आपके ओपिनियन ना डिफर कर सकते हैं और किए हैं डेफिनेटली मैं अपनी टीम को सपोर्ट करता हूं मैं अपनी टीम को एनालाइज करता हूं मैं अपनी टीम के लिए रेडी हूं भाई कुछ भी करने के लिए आप भी सेम चीज कर सकते हो और कर रहे हो हमारे भले ही ओपिनियन डिफर करते हो बट हमारा गोल एक ही है वी वांट टू सी इंडियन फुटबॉल इंप्रूव द रीजन हमने ये चैनल बना इट वाज बिकॉज जो भी हमें फुटबॉल की अंडरस्टैंडिंग है वो हम आप तक पहुंचा पाए हम 2019 से काम कर रहे हैं हम 2019 से नेशनल टीम के बारे में बात कर रहे हैं हम एनालाइज कर रहे हैं उनके मैचेस पहले दे वोट एनी काइड ऑफ पीपल कोई भी नहीं था जो इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करता था वो ओनली अ फ्यू कपल मैं ओनली पे गिन सकता हूँ हु पेड अटेंशन टू इंडियन फुटबॉल एंड उनके पास वो नेसेसिटी उनको फील हुई दैट डे टॉक अबाउट इट किसको पता था हमारे तेईस प्लेयर्स का नाम एक को नहीं पता था बट वी से बहुत सी बात है आप मैच नहीं देखते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं हम यहां पर जस्ट बिकॉज वी कैन प्रोवाइड यू विदेशन ये मेरी रिस्पॉन्बिलिटी बताऊं मैंने पे किसी को चाटने आता हूं और ना तो मैं किसी का सपोर्ट करने आता हूं ना तो किसी को क्रिटिसाइज करने आता हूं जो सही है वो सही है जो गलत है वो गलत है हर मैच डिफरेंट होता है सो so, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू माई नॉलेज एनालिसिस करके आपको देना अब वो एनालिसिस में अगर टीम ने अच्छा खेला होगा तो मैं आपको बताऊंगा अच्छा खेला किन हिसाब से अच्छा खेला मैं आपको बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे झूठी तारीफ नहीं करूंगा मैं आपको झूठी संतावना नहीं दूंगा आई वुड स्पीक वॉट हैज हैपन इन द गेम पर गेम और ये जो गैप है जो आप लोग फील करते हो कि जो किड्स हैं हैं जो जो फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में जाते फुटबॉल है, करते हैं कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा क्या सीखने को मिलता है आई विल टेक इट ऑन माई सेल्फ जितना बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई विल प्रोवाइड यू दैट फुटबॉल के बेसिक्स रूल्स स्टैटिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है फुटबॉल इज जस्ट नॉट अ मैटर ऑफ गोल्स ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ बेस्ट फुटबॉलर्स कहते हैं फुटबॉल इज जस्ट नॉट द इफ वुड फोकस ऑन द डिटेल्स अगर आप फुटबॉल को सही ढंग से देखोगे खेलोगे तो आपको समझ में आएगा आप डिटेल और बारीकियां समझोगे और आप अच्छे कमेंट्स करोगे आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म कर पाओगे आप और बेहतर इन्वॉल्व हो पाओगे फुटबॉल में उसके लिए हमने चैनल पर फुटबॉल प्लेलिस्ट बनाई है फुटबॉल वन ओ वन फुटबॉल टू ओ वन थ्री ओ वन हम रेगुलर बेसिक्स के बारे में बात करते हैं सो so दैट जिन लोगों को नहीं आइडिया है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में फेल में किया है कि हमें क्रिकेट स्पोर्ट्स फुटबॉल वॉलीबॉल जो भी स्पोर्ट्स है जिसमें हम जानना चाहते हैं वो हम नहीं जान पाते बिकॉज हमारे पास अच्छा पी एजुकेटर कोई नहीं मिल पाता so है वी वुड डू आर बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद दैट नॉलेज सो दिस इज माई रिस्पॉसिबिलिटी आपकी रिस्पॉसिबिलिटी एज फैंस है टू अंडरस्टैंड द गेम टू शेयर दोज वीडियोज टू तो ग्रास वोट वी ट्राइंग टू से देखो नफरत करना हेट करना मजाक करना मीम बनाना ये सब कोई कर लेता है मीम की आज दुनिया है मीम से ही सब कुछ चल रहा है आप हंस देते हो भाई बहुत सी बात है बट आप क्या समझ रहे हो उससे यार फुटबॉल एक ऐसा प्योर स्पोर्ट है ना इसको दूर रखें उन चीजों से आप समझिए आंख खोल के देखिए कि भाई ठीक है गलती हुई ऐसा हमने हारा तो रीजन क्या है इसका आप क्यूरियसिटी रखिए अपने पास की आप जान पाओ कि ये क्यों हो रहा है हाउ डिड वी गो फ्रॉम प्लेइंग लाइक दट अगेंस बेट टू प्लेइंग लाइक दिस अगेंस्ट सीरिया कैसे डिफरेंस बना ये जानना बहुत जरूरी है हमें तो आपकी रिस्पॉसिबिलिटी है टू बी अ लिटिल बिट पेशेंट अगर आप केयर करते होगे ना तो आप चीज़ों को जानना चाहोगे सो इंस्टेड ऑफ जस्ट जंपिंग टू कंक्लूजन इंस्टेड ऑफ जस्ट जंपिंग ऑन जजिंग पीपल ट्राई टू हैव दैट पेशेंस दैट कामनेस मुझे पता है मुश्किल होता है एंड आई एम नॉट अपसेट ऑन यू फॉर दैट आप वो करिए ट्राई करिए अपनी टीम को बैक करना समझने की जानने की कोशिश करिए एंड गई एक बात आपको बता दूं मैं नो बडी केयर्स मोर अबाउट इंडियन फुटबॉल दैन द प्लेयर्स प्लेयर्स भाई वो इतना ज्यादा हताश होंगे इस समय इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो अब आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही होगी ना उनको बैक करने की मैं समझ रहा हूँ यार बट नेक्स्ट गेम मैं इसी स्ट्रेंथ से अपनी टीम को सपोर्ट करने जाऊंगा मैं जाऊंगा मैच में जब अफगानिस्तान खेल रही होगी भारत में मैं स्टेडियम में रहूंगा देखने के लिए क्यों भाई मेरी कंट्री है मेरा स्पोर्ट है एंड आई वुड बी रूटिंग फॉर देम आई वुड बी फाइटिंग फॉर देम अच्छा बुरा मैं एनालाइज करूंगा मैं बताऊंगा क्या हो रहा है दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इसमें मेरे साथ हो नहीं हो बट ऑब्जेक्टिव एक है हमारा इंडियन फुटबॉल को इंप्रूव करना That's the last point. So end में बस ये बात मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि यहां पे वही लोग स्टिक करेंगे जो जो कि कि एक्चुअली केयर करते हैं ये जो आपने मजाक बनाया पीपीडीए का फील्ड टिल्ड का आप मजाक में चीजों को ले लेते हो ना आप एक बात याद रखना जिस दिन इंडिया इन टॉप टीम्स के अगेंस्ट जीतने लग जाएंगे हमारे ये पीपीडीए और फील्ड टिल्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो जो मजाक है वो मजाक है ठीक है मैं भी हंस देता हूँ आगे बढ़ जाता हूँ बट गाईज रिमेंबर ये जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना दिस इज अ फाइन लाइन बिटवीन अ विक्ट्री एंड अ लॉस तो आप मजाक बनाइए है, आप हंसीए बट है, आप जानने की कोशिश करिए कि ये पास पर डिफेंसिव एक्शन क्या होता है ये फील्ड टिल्ट का इंपॉर्टेंस क्या है मजाक बना देना ईगो पे लेके ट्रॉल कर देना अच्छी बात है आई डोंट गिव अ फक आई विल बी स्टेइंग ट्रू टू वॉट वी बिलीव्ड when we started this channel and that is to provide the right amount of information the right kind of understanding to the people who care about football That's that guys बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं सपोर्ट करेंगे इन फुटबॉल को जितना आपसे हो पाता है जिस तरीके से हो पाता है वैसे करेंगे एंड मैं यहीं रहूंगा आपके लिए to love or to criticize मिलते हैं जय हिंद